हेलो स्टूडेंट्स टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फरारीज मेथड फरारीज मेथड बेसिकली कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी डिग्री कितनी हो फोर एंड व्हाट इज द मेथड फर्स्ट स्टेप इज आपने फोर्थ पावर और क्यूबिक पावर वाली टर्म्स को इस साइड रखना है और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाना है ठीक है देन यू हैव टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर परफेक्ट स्केयर मतलब एक टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्केयर फाइन इस पूरी टर्म में कुछ एड एंड सब्ट्रैक्ट इस टाइप से करना है कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एक्स रेज टू पर फोर वाली टर्म है इसको हम बनाएंगे एक्स स्केयर का स्केयर ठीक है अब ए प्लस बी दी होल स्केयर क्या होता है इट इज़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी सो so, ये जो एक्स टू पर फोर वाली टर्म है उसको एक पर्टिकुलर नंबर का स्केयर बनाना है और जो ये एक्स क्यूब वाली टर्म है इसको हमने टू ए बी बनाना है ठीक है जब हमने एक्स केयर का स्केयर लिख लिया तो हमें ए पता लग गया ए इज़ नथिंग बट एक्स केयर सो वी कैन राइट टू एक्स क्यूब एज टू इसमें टू चाहिए ना हमें टू ए बी बनाने के लिए टू इन टू ए कितना है एक्स केयर अब इसमें और क्या बचा टू एक्स केयर के बाद एक्स बचा ठीक है सो वी कैन राइट टू एक्स क्यूब एज टू एक्सर इन टू एक्स नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन ईजिली सी दिस इज यूर बी फाइन सो बी का स्केयर यानी कि इस x का स्केयर हमने एड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है फाइन अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे लाइक like, हो सकता है कि यहां पे कॉफिशियंट वन ना हो अगर यहां पे टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस भी नहीं ये ये फैक्टर भी जरूरी नहीं यहां पे टू हो सिर्फ एक्स क्यूब हो तब हम क्या करेंगे हम इस पूरी को पहले टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर बन जाएगा ठीक है जब आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर बन जाएगा फोर बनने पे नाउ यू कैन राइट इट इज टू एक्स दी होल स्केर टू एक्सर द होल स्केयर प्लस अब ये पूरा a है तो इसका मतलब टू तो a है पर यहां तो टू हमें चाहिए होता है यानी कि मुझे फोर चाहिए था है ना तो अब इसमें क्या बचा अगर मैं यहां पे टू लिखती हूं तो ऑब्वियसली मैंने मल्टीप्लाई किया टू से आई हैव टू डिवाइड ऑल्सो टू एक्सर निकल गया और यहां पे क्या बचा एक्स बचा सो नाउ दिस इज योर बी तो मैं एक्स बाई टू द स्क्वायर यानी कि एक्स स्केर बाई फोर को एड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करूंगी फाइन क्या करना है अगर यहां कॉफिशियंट वन ना हो जो भी कॉफिशेंट है अगर वो किसी नंबर का स्केयर है तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर वो किसी नंबर का स्केयर नहीं है तो अंडर रूट की टर्म में नहीं लिखना उसको स्केयर बनाना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियसली यहाँ स्केयर बन जाएगा ठीक है फिर ये पूरी टर्म ए है तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब वाली चीज़ है वहाँ पहले ए लिख लो और उसके बाद देखो क्या यहाँ टू इन ए बनता है इस फैक्टर में टू है नहीं है तो इस टू से मल्टीप्लायर डिवाइड कर लो फिर इसमें जो बचता है वो इस बाय टू वाली टर्म के साथ कंबाइन करो सो तो ये आपका बी बन जाएगा वो बी का स्केयर आपने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना लाइक इन दिस केस हमारे पास यहाँ एक्स बचता था हमने उसका स्केयर एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया सो नाउ वॉट इज दिस इट इज एक्स स्यर प्लस ए क्या है हमारा एक्सकेयर बी क्या है हमारा एक्स तो ये इसका क्या बन गया स्केयर है हाँ ना पर ये टर्म तो बची तो इसको भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व सो इट इज नथिंग बट एट एक्स स्क्र प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व फाइन अब एक्स स्क्र प्लस एक्स तो परफेक्ट स्केयर इसका स्केयर तो बन गया अब इसमें हम अपनी तरफ से एक वैल्यू क्या ऐड कर देते हैं लैम्डा हमने इसमें लैमडा इस तरह से ऐड करना है कि ये वैल्यू क्या बनी है स्केयर ही है किसी चीज का यानी कि ये वैल्यू परफेक्ट स्केयर है है ना तो नाउ इफ आई कंसीडर दिस एज वन टर्म एंड दिस एज द सेकेंड टर्म देन एक्सपैंड दिस स्केयर क्या बन जाएगा ये एक्स स्केयर प्लस एक्स द होल स्केयर प्लस लैमडा स्केयर प्लस टू इंटू लैमडा इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स ठीक है अब इस एक्स स्केयर प्लस एक्स द होल स्केयर की वैल्यू पुट कर दो क्या वैल्यू है इट इज एट एक्स स्केयर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस लैमडा स्केयर प्लस टू लैमडा टाइम्स एक्स स्केयर प्लस एक्स आई एम रिपीटिंग क्या करना है फोर्थ पावर क्यूबिक पावर एक साइड रखनी है बाकी सब दूसरी साइड फिर इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है और जो एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे जो बची हुई टर्म होगी वो भी दूसरी साइड ले जाओगे फिर ये परफेक्ट स्केयर बन गया अब इसमें सिर्फ लैमडा ऐड करके इस स्केयर को ओपन कर देना है इसको एक टर्म मान के ठीक है और लैमडा अलग और फिर इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है ठीक है अब इस क्वाड्रेटिक इन एक्स तो इसलिए हम इसको पहले एक्सकेयर का कॉफिशियंट निकाल लेते हैं एक्सकेयर की दो ही टर्म्स हैं एक ये और एक ये वाले टू लैमडा इन टू एक्सकेयर सो इट इज एट प्लस टू लैमडा इन टू एक्सकेयर फिर कॉफिशियन ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास यहाँ से ये एट एंड देन टू लामडा एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर इट इज लैमडा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ठीक है नाउ यू कैन सी इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैमडा द होल स्क्वायर इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इस वैल्यू के इक्वल है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट मीन्स अगर कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है इसका मतलब उसके दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल क्योंकि वह किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर बन रहा है इट मीनस रूट ऑफ दिस पोलॉमियल ऑफ दिस पोलॉमियल और यू कैन से इट क्वाड्रेटिक आर इक्वल ठीक है और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेट क्या होगा जीरो ठीक है हमारा मेन पर्पज इसमें अभी इस लैमडा की वैल्यू निकालना है फाइन अब वो कैसे निकलेगी इस डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करके एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स का स्केर माइनस फोर टाइम्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्केर इनटू कांस्टेंट टर्म ठीक है ये एक्सकेयर का कॉफिशियंट है ये एक्स का कॉफिशियंट है और ये कॉन्स्टेंट टर्म है क्लियर सो इट इज नथिंग बट फिशेंट ऑफ एक्स दी होल स्केयर माइनस फोर टाइम्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्केर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यू कैन सी एट प्लस टू लैमडा कॉमन आ रहा है ठीक है इट वॉज फोर टाइम्स एट प्लस टू लैमडा इसमें से एट प्लस टू लैमडा अगर कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है एट प्लस टू लैमडा माइनस फोर टाइम्स लैमडा स्क्यर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेल्व इंटू फोर इज फोर्टी एट हर क्वेश्चन में इस तरह से ये वैल्यू कॉमन आए ये जरूरी नहीं है ठीक है अदरवाइज अगर ये कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्यूबिक बन जाएगी लैमडा में और हमें लैमडा की एक वैल्यू निकालनी है हमें तीन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है वी नीड ओनली वन वैल्यू ऑफ लैमडा और वो लैमडा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ठीक है क्या है हमारे पास यहां से एट प्लस टू लैमडा इंटू दिस इज माइनस फोर लैमडा स्क्वेयर प्लस टू लैम्डा प्लस फोर्टी एट प्लस एट इज फिफ्टी सिक्स फाइन सो नाउ फ्रॉम हियर वन वैल्यू ऑफ लैमडा यहाँ से आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू एट इज इक्वल टू माइनस टू लैमडा एंड लैमडा इज इक्वल्स टू एट बाई माइनस टू विच इज इक्वल्स टू माइनस फोर ठीक है अब ये लैमडा हम जो हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस लैमडा होल स्केयर किसके इक्वल आई थी वो वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू उस वैल्यू में हमें सब्सिट्यूट करना है इट इज एट प्लस टू लैमडा द होल स्केट प्लस टू लैमडा इंटू एक्स स्क् प्लस एट प्लस टू लैमडा इंटू एक्स प्लस लैमडा स्क्यर माइनस ट्वेल्व इससे बेसिकली होगा क्या जो हम ये लैमडा की वैल्यू पुट करेंगे ना इससे हमारी जो ये वाली साइड होगी वो भी एक परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी सी हेयर अगर हम लैमडा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा इट इज़ माइनस फोर दी होल स्केयर इक्वल टू एट प्लस टू लैमडा लैमडा को माइनस फोर पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी जीरो तो एक्स स्केयर का कॉफिशन जीरो हो गया देन एक्स का कॉफिशन भी जीरो क्योंकि एट प्लस टू लैमडा को ही तो जीरो पुट किया था लैमडा निकालने के लिए एंड हेयर इट इज़ माइनस फोर स्केयर मतलब सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर है ना फोर इज अ परफेक्ट स्कोर फोर को हम क्या कह सकते हैं टू का फाइन सो so, इस फोर को इस साइड ले आओ एंड ए स्क्र माइनस डी स्क्र विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस फोर माइनस टू एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस फोर प्लस टू इक्वल टू जीरो बेसिकली हमारी डिग्री इक्वेशन की फोर थी और फिरारी मैथड से हमने उस पोलॉमीअल को दो पोलॉमीअल्स में फैक्ट्राइज कर लिया ऑफ डिग्री टू इच है ना और डू टू डिग्री वाले पोलॉमीअल्स को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं है ना उनके रूट्स हम ईजिली निकाल सकते हैं सो दिस इज द मैथड फिरारी मैथड जिससे हमने फोर डिग्री के पोलॉमीअल को दो पोलॉमील्स में डिवाइड कर लिया ऑफ डिग्री टू डिस मेथड से ये बेटर क्यों है क्योंकि उस केस में हमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना पड़ता है बट यहाँ सेकेंड टर्म को रिमूव करने की जरूरत नहीं है ना इन दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग से सॉल्व करो इनके रूट्स निकालो और जो इन दोनों के रूट्स आएंगे वो हमारी गिवन इक्वेशन के क्या होंगे रूट्स सो लेट्स सॉल्व दिस इट इज एक्स केयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो सो इट इज एक्स एक्स प्लस थ्री अगर आप इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज करो अगर नहीं कर सकते हो, तो डिस्क्रिमिनेंट मैथड से इसके रूट्स निकाल दो ठीक है ये आई थिंक आप लोग इजिली कर सकते हो तो रूट्स आर x इज इक्वल टू टू एंड माइनस थ्री दो रूट निकल गए एंड वट अबाउट दिस इट इज एक्स स्क् प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो So it is x common x plus 2 minus 1 common x plus 2 equal to 0. So it is x minus 1 into x plus 2 equal to 0. So it means x is equals to 1 and minus 2. So 4 roots of the given equation are 1 minus 2, 2 and minus 3. Okay, let's repeat the procedure. Humne have fourth power or cubic power sider key. और इसको परफेक्ट स्केयर बनाया कुछ टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेगी परफेक्ट स्केयर के अलावा जितनी भी बाकी टर्म्स थी बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड ले गई अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म आई इसमें लैमडा ऐड कर दिया और इसको एक्सपैंड कर लिया देन वी सब्सिट्यूट दिस वैल्यू हेयर इसकी वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दी और ये भी क्वाड्रेटिक बन गई एक्स में ठीक है सिंस इट इज अ परफेक्ट स्केयर तो इसका मतलब ये वैल्यू भी परफेक्ट स्केयर आनी चाहिए हमें लैमडा की वो वैल्यू निकालनी है कि ये क्या हो जाए परफेक्ट स्केयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्केयर कब बनती है जब उसके दोनों रूट्स इक्वल हों रूट्स इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करके हमने लैमडा की एक वैल्यू निकाल लो तीनों निकालने की जरूरत नहीं है और वो एक वैल्यू यहाँ सबसे करो ठीक है तो आपका राइट हैंड साइड भी परफेक्ट स्केयर बन जाएगा फिर इट इज नथिंग बट ए स्केयर माइनस बी स्केयर

अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है तो इट इज एक्स केयर का स्केयर प्लस टू टाइम्स टू से मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली डिवीजन भी करनी है ए इज नथिंग बट एक्स केयर तो ये एक्स केयर आ गया बचा क्या है यहां पे थ्री बचा और एक्स बचा इट मीन्स दिस इज योर बी ठीक है अब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूँ अगर तीनों टर्म्स को टू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा सो इट इज नथिंग बट थ्री एक्स क्यूब फाइन तो अब इस b का स्केयर यानी कि 3x एक्स बाय का स्केयर हम ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं फाइन नाउ व्हाट इज दिस दिस टर्म इज नथिंग बट x प्लस एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स बाय टू दल स्केयर बिकॉज हेयर योर a इज एक्स स्केयर एंड b इज योर थ्री एक्स बाय टू इक्वल टू इस टर्म को उधर ले जाओ इट इज नाइन एक्स स्क् माइनस एक्स स्क् प्लस टू ठीक है इसको भी सिंप्लीफाई कर लो द दल्सियम इट इज नाइन एक्स स्क् माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस टू सो इट इज इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क् प्लस टू ठीक नाउ नाओ एड लैम डॉन द लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इस टर्म में लैमडा ऐड करो और इसको एक्सपांड कर दो टेकिंग दिस इज वन टर्म एंड लैमडा इज़ अ सेकेंड टर्म सो इट इज़ एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाय टू द होल स्क्र प्लस लामडा स्क्र प्लस टू लैमडा टाइम्स एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाय टू ना सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट इट्स वैल्यू दैट इज फाइव एक्स स्क्र बाय फोर प्लस टू टाइम टू प्लस लैमडा स्क्यर plus 2 lambda x square plus 3 x by 2 now it's a quadratic in x so first write down the coefficient of x square this is the coefficient of x square which is 5 by 4 and plus this is the coefficient of x square that is 2 lambda okay plus x ka coefficient that is 2 lambda into 3 by 2 and plus constant term is lambda square plus two. Okay. Now it must be a perfect square. It means it, discriminant should be equal to zero. And discriminant means coefficient of x. X ka coefficient a two, two cancel out ho That is three lambda, three lambda ka square minus four times constant term and coefficient of x square. In the nuki multiplication. Fine. इट इज नाइन लैमडा स्केयर माइनस फोर को अंदर अगर मल्टीप्लाई करें इट इज नथिंग बट फाइव प्लस एट लैमडा इन टू लैमडा स्केयर प्लस टू इक्वल टू जीरो ठीक है यू हैव टू सॉल्व इट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैमडा नाउ इट इज फाइव लैमडा स्केयर गलती होने के चांसेस रहते हैं इसलिए पहले ब्रैकेट लगा के सिंप्लीफाई करो फिर माइनस साइन को इम्प्लाई करना इट इज प्लस टेन प्लस एट लैमडा क्यूब plus 16 lambda fine so it will be 9 lambda square minus 5 lambda square minus 10 minus 8 lambda cube minus 16 lambda so this is minus 8 lambda cube minus 4 lambdas plus 4 lambda 9 minus 5 is plus 4 lambda minus 16 lambda minus 10 equal to 0 now from this equation we can take टू कॉमन एंड इवन वी कैन टेक माइनस टू कॉमन तो बचेगा क्या फोर लैमडा क्यूब माइनस टू लैमडा स्कूल इट इज नोर लैमडा क्यूब माइनस टू लैमडा स्क्र प्लस एट लैमडा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रूट ऑफ दिस इक्वेशन हमें लैमडा की एक वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करती हो वो सेटिस्फाई ठीक है तो हमें फाइंड आउट करनी है नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैमडा बाई इंस्पेक्शन क्या करते हैं उसके लिए हम हम जो कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं उसके फैक्टर्स लेते हैं बट उस केस में हमारा लीडिंग ऑफिशन जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू वन बट हियर द लीडिंग ऑफिशन इज फोर सो पहले हम इस इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर लेते हैं ठीक है इट विल बी वन बाय टू लैमडा स्क्र प्लस टू लैमडा प्लस फाइव बाय फोर नाउ चेक कि फाइव बाई फोर के फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है थीके? मैं इसको वन बाय टू से भी डिवाइड कर सकती हूं फाइन डिवीजन हो रही है और माइनस वन बाई टू से भी डिवाइड कर सकती हूं सो माइनस वन बाय टू से करेंगे तो ये माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा है ना तो इसका मतलब अगर मैं इसमें माइनस वन बाई टू सब्सिट्यूट करूं तो ये क्या बनेगा इट इज माइनस वन बाय टू द्यूब माइनस वन बाय टू इंटू माइनस वन बाय टू द Plus 2 times minus 1 by 2 plus 5 by 4. Let us check whether it is equal to 0 or not. It is minus 1 by 8. Again, it is 1 by 4 into minus 1 by 2 is minus 1 by 8. And this is 2 to cancel out. So, it is minus 1 plus 5 by 4. Ha, na? Now, take the LCM. It will be minus 1, minus 1, minus 8 plus 10, which is nothing but minus 10 plus 10 upon 8, which is 0. इसका मतलब माइनस वन बाय टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स लैमडा माइनस वन बाय टू माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू ठीक है इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन फाइन तो इसका मतलब हमें एक रूट मिल गया लैमडा की एक वैल्यू मिल गई हमें सारे रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है एक वैल्यू हमें क्या मिली ये वाली आप बाकी इसमें माइनस वन बाय टू से क्या कर सकते हो फैक्ट्राइजे सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन निकाल सकते हो बट वी नीड ओनली वन वैल्यू ऑफ लैमडा सो वी कैन वर्क विद इट ठीक है इट इज टू एंड इट इज फाइव बाय फोर फाइन हम क्वेश्चन निकालते हैं इस केस में क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू सो माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू दैट इज माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू इट इज नथिंग बट माइनस टू बाय टू विच इज इक्वल्स टू माइनस वन फाइन माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई के तो ये कितना आया वन बाई टू ठीक है तो इट विन बाय टू विच इज इक्वल टू फोर प्लस वन बाई टू मतलब फाइव बाय टू फाइन सो विल बी फाइव बाई टू और फाइव बाई टू को अगर माइनस वन बाई टू से फिर से मल्टीप्लाई करें टू इज माइनस फाइव बाय फोर सो दिस वैल्यू इज जीरो बी लैम्डा स्क्यर माइनस लैमडा प्लस फाइव बाय टू ठीक है एक फैक्टर बना लैमडा माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू मतलब लैमडा प्लस वन बाय टू और एक फैक्टर ये बन गया ठीक है तो हमें एक ही वैल्यू चाहिए इसलिए हम बाकी रूट्स नहीं निकालते फाइन सो नावी सब्सीट्यूट लैमडा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू हमारी इक्वेशन क्या थी दिस वॉज योर इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाय टू प्लस लैमडा द होल स्क्र है ना इस इक्वेशन की में हम वैल्यू सब शूट कर देते हैं वाज जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाय टू प्लस लैमडा दी होल स्क् इज इक्वल टू फाइव बाय फोर प्लस टू लैमडा एक्स स्क् प्लस थ्री लैमडा एक्स प्लस लैमडा स्क्वेयर प्लस टू इसमें लामडा की वैल्यू पुट कर दो माइनस हाफ तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाई टू माइनस हाफ दी होल स्केयर इज इक्वल टू फाइव बाय फोर प्लस टू इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्र प्लस थ्री इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस माइनस हाफ द स्केयर वन बाय फोर प्लस टू ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करो इट इज फाइव बाई फोर e2 to cancel out minus 1 fine plus or minus minus 3 it is minus 3x by 2 plus we can take the lcm it is 1 plus 4 to the 8 5 by 4 minus 1 means it is 1 by 4 x square minus 3x by 2 plus 9 by 4 so now what is it is x by 2 the whole square and 9 by 4 is 3 by 2 the whole square एंड वॉट इज दिस इट इज माइनस इफ आई एम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू तो इट इज़ टू इंटू टू फर्स्ट टर्म हमारा एक क्या है एक्स बाय टू तो ये एक्स बाय टू ये टू एक्स के साथ ले लिया एंड यर सेकेंड टर्म इज़ थ्री बाय टू बी इज थ्री बाय टू नाउ चेक वेदर दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू थ्री एक्स बाय टू और नॉट ये टू इससे कैंसिल आउट एंड दिस इज लेफ्ट थ्री एक्स बाय टू ठीक है सो इसका मतलब ये टर्म किसके इक्वल है टू इंटू ए इंटू बी के ठीक है सो फाइनली वट वी गेट इट इज एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाय टू माइनस हाफ द होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स बाय टू माइनस थ्री बाय टू दल स्केयर ठीक है माइनस क्यू लगा क्योंकि माइनस टू ए भी बन रहा है राइट अब यह वैल्यू क्या बनी हमारे पास दिस इज नाथिंग बट एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स बाय टू माइनस हाफ दी होल स्केयर माइनस एक्स बाय टू माइनस थ्री बाय टू द होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो फाइन नाउ इट इज नथिंग बट एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स बाय टू माइनस हाफ माइनस एक्स बाय टू माइनस थ्री बाय टू ठीक है ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया तो इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइन अब इसको सिंप्लीफाई कर लो क्या आ जाएगा ये एक्स स्केयर एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं थ्री एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय टू इट इज टू एक्स बाय टू इट मीन्स एक्स ठीक है थ्री एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय टू सो इट इज नथिंग बट थ्री एक्स माइनस एक्स विच इज टू एक्स बाय टू सो इट इज नथिंग बट एक्स ठीक है नेक्स्ट टर्म माइनस हा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस ठीक है तो इट इज माइनस हाफ प्लस थ्री बाय टू इज नथिंग बट टू बाय टू विच इज अगेन इक्वल टू वन फाइन एंड नेक्स्ट फैक्टर इज एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू यहाँ माइनस था अब क्या हो गया प्लस तो इट इज फोर एक्स बाय टू विच इज टू एक्स एंड माइनस हाफ माइनस थ्री बाय टू पहले एडिशन हो रही थी अब क्या है सब्ट्रैक्शन तो ये कितना हो जाएगा इट फोर बाय टू विच इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है नेक्स्ट यू हैव टू फैक्टराइज दीज टू अब ये दोनों फैक्टर्स बन गए टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए अब इनके रूट्स निकालने बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिस्क्रिमिनेंट मैथड ठीक है अब इसके दोनों के रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट मैथड निकलेंगे जैसे इसके रूट्स क्या आएंगे दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू टू ए और यहाँ पर इट इटस माइनस टू प्लस माइनस अंडर वूड ऑफ बी स्केयर माइनस फोर इंटू माइनस टू डिवाइड बाई टू मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मैथड से जो रूट्स निकलते हैं उनका फॉर्मूला लगा रही हूँ ठीक है नथिंग एल्स और ये रूट क्या है माइनस टू प्लस माइनस अंडर वूड ऑफ फोर plus 8 that is 4 plus 8 is 12 by 2 okay so it is minus 1 plus minus under root 3 iota by 2 and this is minus 2 plus minus 2 under root 3 by 2 okay so it is finally equal to minus 1 plus minus root 3 and this is minus 1 plus minus root 3 iota by so, these are the four roots of the given equation. Fine.